अक्षरा सिंह अभी तक काफी सारे स्टेज शो कर चुकी हैं, लेकिन काफी सारे स्टेज शो में अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का जिक्र किया है, और जब भी पवन सिंह का जिक्र अक्षरा ने किया है वो परेशानियों में भी फंसती नजर आई हैं। हाल ही में आरा के स्टेज शो में अक्षरा ने पवन सिंह को लेकर कुछ बातें कहीं, जिसके बाद खबर मिल रही है कि अक्षरा सिंह को और भी फिल्मों से निकाल दिया गया है। लेकिन उस स्टेज शो के दौरान एक खास बात ये भी हुई कि अक्षरा को मिल गए एक सच्चे दोस्त, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि युवा सिंगर गोलू राजा हैं, जो अपने गानों से YouTube पर और स्टेज शो से दर्शकों के दिलों पर करते हैं राज। हालांकि अभी तक गोलू राजा को फिल्म में लीड रोल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अक्षरा सिंह ने उनसे वादा किया है कि वो जल्द ही गोलू के साथ फिल्म में तो नजर आएंगी ही, साथ ही बिहार में कहीं भी शो करेंगी तो गोलू राजा के साथ ही करेंगी। जिसके बाद गोलू राजा भी अक्षरा सिंह के टॉप फैन के लिस्ट में शामिल हो गए। जी हाँ, स्टेज शो करके वापस लौटते ही गोलू राजा ने अक्षरा सिंह के फैन पेज को फॉलो किया, जिसके बाद अक्षरा सिंह ने गोलू राजा को टॉप फैन की लिस्ट में डाल दिया। अक्षरा सिंह कोई भी तस्वीर शेयर करती हैं तो गोलू राजा उस पर कमेंट जरूर करते हैं। हाल ही में पिंक ड्रेस में अक्षरा सिंह ने अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिस पर गोलू राजा ने कमेंट किया और लिखा, शेरनी हो आप, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। साथ ही अपने एक गाने का प्रमोशन भी किया है। दरअसल गोलू राजा का हाल ही में एक नया गाना रिलीज हुआ है, जिसके बोल हैं, दिने बाद धराए लब हर जी। गोलू राजा ने इस गाने को गाया है, अनिल यादव ने गाने को लिखा है, म्यूजिक डायरेक्टर अनिल यादव हैं। हमारे खबर लिखने तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने गोलू राजा के इस गाने को सुना है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो जरूर सुनिए। जाते जाते बता दें कि अक्षरा सिंह भी गोलू राजा के गायकी की बहुत बड़ी फैन है। खबर ये भी मिल रही है कि बहुत जल्द अक्षरा और गोलू राजा मिलकर एक डुएट सॉन्ग आप लोगों के बीच लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।